हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। हमको अगर देने में खुशी होती है तो हमको कोई भी उदास नहीं कर सकता, और अगर हमको सिर्फ लेने में खुशी होती है तो हमको कोई हमेशा खुश नहीं रख सकता। तो इस बात में क्या सच्चाई है, क्या ये वाकई में सच है? और अगर आप कहते हैं कि इसको फॉलो करने पर के बाद भी आपकी लाइफ उसी सेम गाड़ी पर चल रही है, यानी कि आज की समरी में हम जानेंगे गो गेटर क्या है। क्या कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम उस सक्सेस पे नहीं पा रहे हैं? तो फिर अगर हाँ, तो फिर ये समरी आपके लिए। इस समरी में हम स्टेटस पेरी के सक्सेस के 5 लॉज सीखेंगे। स्टेटस पेरी सक्सेस मतलब इतनी सक्सेस जो हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप गिविंग यानी देने के बारे में सीखेंगे। आप उन लोगों की सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे जिन्होंने खुद के लिए कुछ मांगने या चाहने के बजाय दूसरों के कुछ देने की इच्छा की और वो सफलता पर किस शिखर पर पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते थे। तो उन्होंने सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पहले दूसरों के बारे में सोचा कि वो सुनकर कैसे कहाँ जा सकते हैं। तो इस समरी को एक मौका दीजिए और इससे ये नॉलेज हासिल करें जो। तो चलिए बात करते हैं समरी ऑफ द बुक द गो गिवर, जिसे लिखा है बॉब बर्ग एंड जॉन डेविड मैन ने। तो एक गो गेटर जो कि जॉन गो गेटर यानी कि वो आदमी जो अपने गोल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, जैसे ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। वो कुछ मांगने से हिचकिचाता नहीं है, जो टॉप पर पहुंचना चाहता है अपने फॉर्म में नंबर वन और बेस्ट एजेंट बनने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में वो अपने टारगेट भी पूरा नहीं कर पाया। अब तीसरा क्वार्टर भी ख़त्म होने को था, लेकिन अब भी जो काफ़ी पीछे था, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए जाने माने कंसल्टेंट पिंडार के पास गया। पिंडार को सब प्यार से चेयरमैन कहकर बुलाते थे। कंसल्टेंट होने के साथ साथ वो एक गुरु या मेंटर भी था और या कीनोट स्पीकर भी था। उन्होंने बिजनेस में के फील्ड में बहुत सक्सेस और पैसा कमाया था, जिसके कारण वो एक बिजनेस टाइकून भी थे। वो अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले चुके थे, अब वो अपना पूरा ध्यान अपने दूसरी कंपनी और प्रोफेशनल्स को सफल करने के लिए मदद कर रहे थे। तो जो पिंडार से मिल करके बहुत प्रभावित हुआ, उसे लगा कि सच में पिंडार प्रशंसा के योग्य है। उसने चेयरमैन से अपने सक्सेस का राज पूछा। पिंडार ने सिर्फ एक शब्द कहा, वो था गिविंग, मतलब दूसरे को देना। जो ये बड़ा अटपटा लगा उसको ये बात, उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोग तो इस आदत के आदि हो गए कि जहाँ पर जिंदगी के रेस में आगे निकलने के लिए एक इंसान दूसरे को कुचल कर उसे नुकसान पहुँचा करके खुद आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ तो हर इंसान सिर्फ खुद के लिए सोचता है और खुद के लिए सब कुछ चाहता है। जो सोचने लगा कि वो अगर हमेशा देता रहेगा तो खुद के लिए प्रॉफिट कैसा कमाएगा। लेकिन पिंडार ने जो को एक रोमांचक सफर में चलने के लिए इनवाइट किया। इसमें वो स्टेटस पेरी सक्सेस के 5 लॉज का रहस्य खोलने वाले थे। आने वाले हफ्ते के हर दिन जो को पिंडार से लंच पर मिलना था, जिसमें पिंडार उसे हर रोज अपने एक दोस्त से मिलाने वाले थे ताकि वो एक एक करके सारे लॉज को सीख सके। लेकिन पिंडार की एक शर्त थी कि लंच से लेकर डिनर के वक्त तक उसको अप्लाई करना होगा वो लॉ को अपने रियल लाइफ में। ऐसा इसीलिए कि ताकि हफ्ते के खत्म होने पर उस जो खुद उन लॉज की सच्चाई को परख सके। मंडे को जो एक रेस्टोरेंट के मालिक से मिला, उसका नाम अर्नेस्टो था। ट्यूसडे को वो एक सीईओ से मिला जिसका नाम निकोल था। वेडनेसडे को एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिला जिसका नाम सैम था। थर्सडे को वो एक रियल स्टेट एजेंट डेबरा से मिला, और फ्राइडे को 5th लॉ का राज एक ऐसे शख्स ने खोला जिसकी जो ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो आने वाले चैप्टर्स में हम एक लॉज के बारे में सीखेंगे। हम अर्नेस्टो, निकोल, सैम और डेबरा के सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि जो की कहानी किस मोड पर ख़त्म हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं द लॉ ऑफ वैल्यू की। द लॉ ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम अपने असली कीमत या वर्थ उस बात पर डिपेंड करती है कि हम लोगों को उनके पैसे के बदले में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसी दाम पे अपनी सर्विस में और ज़्यादा वैल्यू जोड़ करके अपने कस्टमर को देंगे तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। वैल्यू मतलब कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना कि वो उसको याद रखे और बोलने पर मजबूर हो जाए कि वाह क्या बात है। अब जितना ज़्यादा वैल्यू जोड़ते जाएंगे हम उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे,
अर्नेस्टो लाफेट रियल स्टेट के बिजनेस टाइकून थे। वो सेफ होने के साथ साथ एक रेस्टोरेंट के मालिक भी थे। करीबन 20 साल पहले अर्नेस्टो के पास में सिर्फ एक हॉट डॉग का स्टैंड था। कुछ ही समय के बाद में उसे कुछ ऐसे कस्टमर मिले जो हमेशा उसी के स्टैंड पर आया करते थे। तो ये बात चारों तरफ फैल गई। अब तो ये आलम था कि शहर के बड़े बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी अर्नेस्टो के स्टैंड पर लंच करने आने लगे। उन्हें अर्नेस्टो का हॉट डॉग इतना लाजवाब लगा कि वो कुछ एग्जीक्यूटिव ने अर्नेस्टो की मदद करने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने का विचार किया ताकि वो इस रेस्टोरेंट पे खोल सके। अर्नेस्टो की स्टॉल पर लोगों का तांता लगा रहता था। उसके इतने सारे कस्टमर बन गए थे कि जब वो उसने रेस्टोरेंट चालू किया तो हमेशा की तरह अपने कस्टमर्स को बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंस दिया जो दूसरे रेस्टोरेंट नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसा करने से उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। अर्नेस्टो ने उस रेस्टोरेंट को ख़रीद लिया और उन एग्जीक्यूटिव ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। इस सफलता के बाद में अर्नेस्टो ने उस शहर में और भी कई रेस्टोरेंट खोले। इसके अलावा उसने कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के बारे में भी सोचा। कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि रियल स्टेट प्रॉपर्टी जहाँ पर ज़्यादातर लोग बिजनेस एग्जीक्यूटिव होती है और जिनसे बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो इस तरह से वो रियल स्टेट की दुनिया के टाइकून बने। तो अर्नेस्टो की सक्सेस का लाज क्या है कि यूं तो शहर में कई रेस्टोरेंट और हॉट डॉग स्टैंड है और उनका भी खाना काफ़ी टेस्टी और लजीज है। तो ऐसा क्या था जो अर्नेस्टो की बिजनेस को इतना खास और इतना अलग बनाता था? इसका जवाब ये है कि वो अपनी सर्विस में बहुत ज़्यादा वैल्यू जोड़ करके अपने कस्टमर को देते थे। अर्नेस्टो के हॉट डॉग स्टैंड पे पहले कस्टमर बच्चे थे। वो उन बच्चों के नाम और बर्थडे याद रखते थे। उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातें उन्हें याद रहती थी जैसे कि उनका फेवरेट कलर, कार्टून कैरेक्टर, ये सब। अर्नेस्टो को बच्चों से बहुत लगाव था। वो उनसे बहुत बातें किया करते थे और उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रीट देते रहते थे। बच्चे उन्हें अच्छे से जानने लगे थे, उन्हें पसंद करने लगे थे और उन पर भरोसा भी करने लगे थे। और अंत में आखिरी में वो अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी उस स्टैंड पर ले जाने लगे। तो अर्नेस्टो को बड़ों के भी नाम, बर्थडे और उनकी पसंद नापसंद सब कुछ याद रहते थे। अब ये पेरेंट भी अर्नेस्टो को जानने लगे, पसंद करने लगे और उन पर भरोसा करने लगे। अर्नेस्टो का जो बिहेवियर था ना, वो उनके साथ ऐसा था कि मानो कितने प्यारे दोस्त हो, कितना गहरा रिश्ता हो, जिसकी वजह से अब बड़े भी अब दोबारा उसे उन्हीं के स्टैंड पर जाना पसंद करते थे। अर्नेस्टो का बिहेवियर उनके साथ ऐसा था मानो कितने पुराने दोस्त हो और जिसकी वजह से अब बड़े भी वहाँ पर जाने लगे थे और पसंद करते थे जाना। यहाँ तक कि वो यहाँ अपने जान पहचान वालों को भी अपने अर्नेस्टो के स्टैंड पर जाना कहने लगे। बाकी रेस्टोरेंट में खाने के मेन्यू पर जो भी दाम लिखा होता है बिल्कुल उसके बराबर का सर्विस और वैल्यू देते थे, लेकिन अर्नेस्टो ने हमेशा कुछ ज़्यादा ही दिया। वो उसी दाम पर लाजवाब खाने के साथ साथ 5-स्टार होटल की सर्विस भी देते थे, वैल्यू भी देते थे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विस फीकी लगने लगती थी, इसीलिए तो कस्टमर उनके रेस्टोरेंट को इतना ज़्यादा पसंद करते थे। वो बार बार उनके रेस्टोरेंट में जाते थे और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी बिजनेस आइडिया जिसमें सिर्फ देना देना और देना हो, ऐसे तो आपका दिवाला निकल जाएगा, है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। बिजनेस शुरू करते समय ये मत सोचें कि आप कितना कमाएंगे, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम अपने कस्टमर को क्या दे सकते हैं। तो देने में उन्हें एक ऐसी सर्विस दे इतनी कितनी वैल्यू दे सकते हैं, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इमोशनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू, परफॉर्मेंस वैल्यू, कुछ भी। अगर आप सिर्फ इसमें वैल्यू जोड़ते चले जाएंगे तो आप उतना भी लॉयल कस्टमर बनाते चलेंगे और यही आपको ज़्यादा प्रॉफिट और सक्सेस की ओर ले आ जाएगा। तो ये था स्टेटोस्पैरी का सबसे पहला लॉ। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कि द लॉ ऑफ कंपनसेशन। तो दो लॉ ऑफ कंपनसेशन का मतलब आपकी कमाई उस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को सर्व कर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से सर्व कर पाते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का तरीका ढूंढना होगा। मान लीजिए यानी कि अभी हम 25 लोगों को सर्व करें तो हमको ऐसा तरीका सोचना होगा कि हम 25,000 लोगों तक अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को पहुंचा सकें। बस उन्हें आप अच्छे से सर्व कीजिए और उन्हें आपकी इतनी कमाई होगी आप गिन ही नहीं पाएंगे। निकोल माकी बच्चों के स्कूल में टीचर है। वो एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी लर्निंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रेन के एक CEO है। उनको निकोल को पढ़ाना बेहद पसंद था।
लेकिन उनको लगता था कि बच्चों को पढ़ाना उतना या वो उतना नहीं सिखा पा रहे थे। ये सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी को जानने और बच्चों के आगे बढ़ने का पे बढ़ावा नहीं दिखा था। तो इसलिए निकोल ने एक ऐसे गेम बनाया जो कि मज़ेदार तो था ही, लेकिन उसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता था और इसकी वजह से निकोल ने उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी देखा। वो बस 25 बच्चों को ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए उन्होंने कमाल का आइडिया आया। एक दिन निकोल ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी। उसने वहाँ एक बच्चे के फादर जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनसे बात की। उसने उनसे पूछा कि क्या वो उसके द्वारा बनाए गए गेम्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख सकते हैं। फिर उसने वहाँ एक बच्चे के फादर से बात की जिनका एक छोटा सा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बिजनेस था। निकोल वो इंजीनियर और मार्केटिंग एक्सपर्ट तीनों बिजनेस पार्टनर बन गए और यही तीन लोग लर्निंग सिस्टम को चिल्ड्रन एक के फाउंडर है। अगले कुछ सालों में निकोल का प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर हो गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए वो पूरी दुनिया में एक साथ 25 मिलियन बच्चों को पढ़ा सकते थे। तो आप जितने ज़्यादा लोगों को सर्व करोगे, आप जितनी ज़्यादा जिंदगियों को छुओगे, आप उतनी ही ज़्यादा कमाई करोगे। तो ये था दूसरा लॉ। ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतरीन तरीके से सर्व करना होगा और इस चीज़ों की कोई सीमा, कोई अंत, कोई हम नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा लोग तो मौजूद होंगे जिन्हें हम सर्व कर सकते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, महान तो कोई भी बन सकता है क्योंकि सेवा यानी कि सर्व करना कोई भी कर सकता है। चाहे आप जीवन में कुछ भी कर ले, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप स्टेटस पर ही सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कीजिए और आपकी जीत कंफर्म है। इसके साथ आगे बात करते हैं तीसरे लॉ जो है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है आपका कितना इन्फ्लुएंस या असर होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना खुल करके दूसरों के हित के बारे में पहले सोचते हैं, उसे खुद से पहले या आगे रखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसे मैं विन विन सिचुएशन कहते हैं, मतलब सबका बस फ़ायदा ही फ़ायदा। इसके मुताबिक अगर आप अपने बिजनेस में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर को कुछ ऐसा देना होगा जिसे पा करके उसे भी फ़ायदा हो। ये बिल्कुल 50-50 वाली डील जैसा है, लेकिन ये लॉ हमें सिखाती है कि हमें कस्टमर को पूरा 100% देना चाहिए, सिर्फ 50% नहीं। आपको दूसरों की ज़रूरत को समझना होगा, आपको दूसरों को पहले जिताना होगा, तभी आप अपार सफलता पा सकते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, ये इस बारे में है कि आप उन लोगों के लिए क्या क्या और कितना कर सकते हैं। सच्चे मायनों में इसे ही लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे कि सैम रोसिम एक लीडिंग सेल्समैन और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। पहले वो रेगुलर इंश्योरेंस एजेंट थे, मगर कुछ ही सालों के बाद वो उस कंपनी में नंबर वन पोजीशन पर पहुंच गए थे। उनका सेल्स 0 से $400 मिलियन तक पहुंच गया था। फुल टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर बनने से पहले उन्होंने कुछ क्लाइंट्स को मीडिएटर और एजेंट की सर्विस भी दी थी। अब वो पूरी दुनिया में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें वो अपनी सर्विस फ्री में देते हैं। सेम ने जब शुरुआत की थी तब वो एक भी इंश्योरेंस प्लान नहीं बेच पाए थे, लेकिन फिर वो पूरी तरीके से बदल गए। सेम का सीक्रेट यही है कि उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया कि उसे क्या मिलेगा। उसने ये देखना शुरू किया कि वो क्या दे सकता है। उसने अपने कमीशन की फिक्र करना छोड़ दिया। अब बस वो इस बात पर ध्यान देने लगे कि अपने क्लाइंट को कैसे बेस्ट सर्विस दे सके। ऐसा करने से जैसे लोगों का एक नेटवर्क बनता चला गया जो सेम को जानने लगे, पसंद करने लगे और उस पर भरोसा भी करने लगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सेम से इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीदते थे, लेकिन सेम ने फिर भी उनसे दोस्ती कर ली थी। सेम सचमुच दिल से अपने क्लाइंट की परवाह करते थे, इसीलिए उनके क्लाइंट्स भी सेम के लिए ऐसा ही महसूस करने लगे थे। वो उन्हें सफल होने में, बेस्ट डील दिलाने में और उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करने में मदद करते थे, और इसीलिए उनके क्लाइंट्स ने भी उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी उनके सफल होने में। ऐसा लगता था मानो वो सेम के चलते फिरते पर्सनल एम्बेसडर बन गए हो। वो अपनी जान पहचान के लोगों को सेम से इंश्योरेंस कराने के लिए कहने लगे, और ऐसा नहीं था कि इसके बदले सेम उन्हें कोई पैसा देते थे। उन क्लाइंट्स ने ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सेम को पसंद करने लगे थे, उन पर भरोसा करने लगे थे। वो जानते थे कि सेम मार्केट में सबसे बेस्ट इंश्योरेंस एजेंसी
होती है, इसीलिए ये स्कोर कार्ड बनाना बंद कीजिए, इसकी गिनती मत कीजिए कि आपने किस किस के लिए क्या क्या किया। किसी के लिए कुछ करने के बाद उसे बदले में कुछ मांगिए मत, बस ये देने का सिलसिला चालू रखिए। इस बात पर बस भरोसा रखिए कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से मदद आपके रास्ते पर खुद ब खुद मिल जाएगी। आप लोगों को अपने पैसे या कितने फेमस है या आपकी पोजीशन क्या है इस दम पर पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप उनकी ज़रूरतों को पहले रख करके उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, यूँ कहिए तो आप उन पर कभी ना मिटने वाला असर छोड़ देते हैं। अपने कस्टमर की ज़रूरत को इम्पोर्टेंस दीजिए, उन्हें क्या चाहिए उन तक वो पहुँचाइए, उन्हें जीतने दीजिए। आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे उनके साथ अच्छा करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रभाव उन पर बढ़ने लगेगा और आपको सफलता के सक्सेस की ओर और ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथे लॉ की तरफ, जो है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी कहती है कि जो बेशकीमती तोहफा आप किसी को दे सकते हैं वो आप खुद हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है तो आप गलत हैं। आपके पास आपका टैलेंट, आपका स्किल, टाइम, एनर्जी और आपकी एबिलिटी है। आप लोगों को ये सब कुछ दे सकते हैं। जिसे देने के लिए डेबरा डेबिट 42 साल की सिंगल मदर है। एक दिन उसके पति अचानक से कहीं चले गए और लौट करके कभी नहीं आए। उसने किसी दूसरी औरत के लिए डेबरा को छोड़ दिया था। उस वक्त डेबरा के सिर्फ एक हाउसवाइफ है। उसे समझ में नहीं आता वो अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएगी। तो आगे चल करके डेबरा ने जॉब ढूंढना शुरू किया, लेकिन जहाँ पर भी वो अप्लाई करती थी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। वो उसे ये कह करके रिजेक्ट कर देते कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है या उसमें वो स्किल नहीं है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और फिर डेबरा ने रियल स्टेट बिजनेस का लाइसेंस लेने के बारे में सोचा। उसे रियल स्टेट एजेंट बनने की ट्रेनिंग ली, कुछ महीनों में तक इसकी पढ़ाई की और लाइसेंस लेने के एग्ज़ाम को पास कर लिया। डेबरा ने दूसरे एजेंसी के द्वारा इस्तेमाल किए गए हर टूल्स एंड टेक्निक्स को बारीकी से समझ लिया था। ये वही टेक्निक्स थे जिसे यूज़ करके क्लाइंट से सौदा पक्का किया जा सकता था। डेबरा ने डायरेक्ट लूज, ट्रायल ऑफर लूज, बेस्ट टाइम टू बाय क्लोथ्स और भी बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में सीख लिया था, लेकिन इन सब के सब में से कोई भी उसके काम नहीं आया। पूरा 1 साल बीत चुका था लेकिन डेबरा एक भी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाई थी। तो अब जाकर के वो खुद से बहुत रिटायर निराश होने लगी थी। उसके 43rd बर्थडे पे उससे डेबरा के एक दोस्त ने सेल्स कन्वेंशन, मतलब एक ही मीटिंग जहाँ पे कई सारे लोग जमा होकर के सेल्स मीटिंग का डिस्कस करते हैं, तो उसकी टिकट दी। तो वहाँ पे उसने ये सीखा कि किसी भी बिजनेस में जितना भी ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा वैल्यू उसमें जोड़ेंगे, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे। सेमिनार के बाद देवरा चिंतित थी। उसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे वो अपनी सर्विस में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ स्टीम भी उसके पति के साथ में उसका साथ छोड़ करके चली गई हो। डेबरा अब उस मकान पर थी जब वो ये करियर छोड़ने के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसका ये आखिरी अपॉइंटमेंट बचा था। उस समय वो क्लाइंट को लेकर के प्रॉपर्टी दिखाने चली गई क्योंकि डेबरा की आखिरी क्लाइंट थे। तो उसने जितने भी टेक्निक्स को सीखा था उन सब को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, उनमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया। वो अपने क्लाइंट के साथ में खुलकर बातें किए जा रही थी, उसने किसी भी ट्रिक या रटी रटाई बातों का इस्तेमाल नहीं किया। डेबरा तो बस अपने क्लाइंट के साथ में एक दोस्त की तरह बात कर रही थी। वो अपने क्लाइंट की कहानियाँ सुन रही थी और वो पूरे दिन हंसते रहे, बातें करते रहे। डेबरा ने सोचा कि ये उसका आज तक का सबसे अलग बिजनेस मीटिंग था। इसमें वो एक प्रोफेशनल से ज़्यादा अपने पर्सनल टच ऐड कर चुकी थी। उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसने क्लाइंट को प्रॉपर्टी की कीमत बताई भी या नहीं। डेबरा को लगा कि उसने तो सारा काम ही खराब कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसे फ़ोन आया जिस क्लाइंट से उसने इतनी घुल मिल करके दोस्तों की तरह बातें की थी। उसने वाकई में प्रॉपर्टी को खरीद लिया था। तो आखिर में डेबरा अपना पहला डील कंप्लीट करने में सफल हुई। इसने उससे बहुत ज़रूरी बात सिखाई कि उसे लगता था कि क्लाइंट को देने के लिए उसके पास में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि ये पर्सनल टच ही तो है जो वैल्यू को ऐड कर रहा था। उसके बाद तो उसने एक के बाद एक करके कई प्रॉपर्टी बेच डाली। अब डेबरा एक टॉप रियल स्टेट एजेंट होने के साथ साथ सेलिंग बिजनेस के सेमिनार में इम्पॉर्टेंट स्पीकर भी है। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। उसे अपने करियर और सफलता से बहुत संतुष्टि मिले। तो बस यही लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, रियल, सच्चे और असली।
इसमें कोई बनावटीपन या झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी से या कहीं से भी सीखी हुई टेक्निक को यूज़ ना करें। अपने क्लाइंट को ह्यूमन टच का एक्सपीरियंस दीजिए, एक दोस्त की तरह उनकी ज़रूरतों को समझिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। पूरी कोशिश कीजिए कि आप उन्हें बिल्कुल वही दे सकें जो उन्हें चाहिए। अपना प्रोडक्ट उन पर थोपने की कोशिश ना करें। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच करके और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। किसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की, तो जो है द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी का कहना है कि कुछ देने की सोच को और ज़्यादा असरदार बनाने का तरीका है कि आप खुद भी कुछ लेने के लिए तैयार रहें। अभी तक इस बुक में हमने पढ़ा खुल करके देने के लिए। शायद आप इस सोच के बीच में बड़े हुए होंगे कि लेने से ज़्यादा अच्छा देना होता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका क्लाइंट बदले में आपको कुछ देना चाहता है तो उसे लेने से इनकार कर देना चाहिए? किसी से कुछ लेना भी नेचुरल है, स्वाभाविक है। अगर कोई कुछ देना चाहता है तो हम उसे मना कर देते हैं तो वो भी बदतमीजी ही है। इसलिए जिस तरीके से आप देते हैं उसी तरीके से स्वीकार करने के लिए भी अपनी सोच को बड़ा करें। ऐसा करने से एक अच्छा और मजबूत रिश्ता कायम होता है और किसी से कुछ वापस मिलना भी तो कितना नेचुरल है ना। ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। पेड़ पौधों के बारे में सोचिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, तो वहीं इंसान और जानवर ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हमारा जीवन इसी लेन देन का एक लगातार चलने वाला प्रोसीजर है। जब आप लोगों की मदद करते हैं उनके चुकाए हुए दाम के बदले में उन्हें ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये एक स्वाभाविक बात है कि वो भी बदले में वो कुछ आपको कुछ ना कुछ देंगे ही, और आपको इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा। आपके क्लाइंट, कस्टमर या एम्प्लॉय या आपके साथ में काम करने वाले जो भी देना चाहे, चाहे वो कुछ भी हो, उसे स्वीकार करें। ये आपके अच्छे संबंध और स्टेटस पेरी सक्सेस को हमेशा बनाए रहेगा। तो इस लॉ को समझने के बाद में अब आगे बात करते हैं द गो गिवर। आइए इसमें क्या है समझते हैं। अर्नेस्टन से जो लॉ ऑफ वैल्यू के बारे में सीखा, निकोल से उसने लॉ ऑफ कंपोजिशन के बारे में सीखा, सेम से उसने लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में, और डेवरा से लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी के बारे में सीखा। मंडे से थर्सडे तक जो इन दिलचस्प लोगों से मिला, फ्राइडे को वो पिंडार के साथ अकेला था, वो दोनों लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी के बारे में बात करने लगे। तब जाकर ये सीक्रेट खुला कि फ्राइडे का वो खास मेहमान खुद जो ही है। पूरे हफ्ते जो एक एक करके उन लॉज को उस दिन अप्लाई करने में सफल हुआ था। मंडे को एक क्लाइंट ने जो को रिजेक्ट कर दिया था, तो जो ने उनकी मदद करने के लिए किसी दूसरे का नाम सजेस्ट किया था ताकि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल सके। ये होता है लॉ ऑफ वैल्यू। जब आपको दिए गए पैसों के बदले में आप कुछ ज़्यादा वापस करते हैं। ट्यूसडे को जो ने हाई क्वालिटी ऑफ बीन से भरा एक बैग मिला जिसे पिंडार के सैफ रेचल ने भेजा था। उस दिन जब जो ऑफिस पहुंचा तो उसने सारे कॉफ़ी बीन का इस्तेमाल करके कॉफ़ी बनाई और हर एक को उसने कॉफ़ी पिलाई। तो ये है लॉ ऑफ कंपनसेशन कि जितना ज़्यादा हो सके आप उतने लोगों को सर्व कीजिए, ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बनाएँ। वेडनेसडे को जो अपनी वाइफ सूजन के परेशानियों और शिकायतों ध्यान से सुन रहा था, उसने सूजन से अपने मन का बोझ बांटने के लिए कहा। जो ने उसे बीच में एकदम भी टोका नहीं, ना ही रोका। वो तब तक उसके साथ में बैठ करके उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करता रहा जब तक उसे नींद नहीं आती। तो ये था लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पर दूसरों की इच्छा या ज़रूरतों को पहले रखा जाता है। थर्सडे को जो अपने साथ काम करने वाले साथी गद से दिल खोलकर बातें कर रहा था, इससे उनकी दोस्ती और भी गहरी होने लगी थी। तो ये था लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, जहाँ पे आप किसी के सामने खुद को पेश करते हो, एक ह्यूमन टच देते हो। और फाइनली फ्राइडे को जो को एक खूबसूरत तोहफा मिला। पिछले मंडे को जो क्लाइंट ने जो को रिजेक्ट किया था, तब जो ने उन्हें एडवांस नाम की एक लड़के के बारे में बताया था। तो फ्राइडे को जो को पता चला कि एड ने भी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट को जो के बारे में बताया था। जो ने एड को एक अमेजिंग मौका दिया था। कुछ दिनों बाद जो को भी एड की तरफ से एक अद्भुत मौका मिला। और ये है लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, मतलब दूसरे से लेने के बजाय तैयार रहना। जो ने पिंडार के शर्त को पूरा कर दिया, तो उसने इस पांचों लॉ को
अप्लाई करके खुद सच्चाई को परख लिया था। अब आज आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जो एक गो गेटर से गो गिवर बन गया था, जब तक वो उसे ये सोच रहा था कि उसे क्या मिलेगा तब तक वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब उसने ये सोचना शुरू किया कि वो क्या दे सकता है, तब उसने खुद ही सक्सेस हासिल की, और इतनी सक्सेस हासिल की कि जिसने उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक रेगुलर एम्प्लॉई से जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, उसने रेचल के साथ मिल करके एक कंपनी की शुरुआत की। वो पिंडार की सेफ थी जो दुनिया की सबसे लाजवाब कॉफ़ी बनाती, उनकी कंपनी का काम था रेचल्स फेमस कॉफ़ी, जिसकी शुरुआत उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हुई थी। एक साल के अंदर ही उस कंपनी ने स्टेटस पेरिस के सक्सेस को छू लिया था। उनकी कंपनी ने मिलियन डॉलर का कमाई कर लिए थे। जो और उसके बिजनेस पार्टनर सब समाज सेवा के काम में हाथ बटाने लगे थे। वो छोटे छोटे गांव में खेती को आसान करने के लिए इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई की सुविधा की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन की शुरुआत की जिसका मकसद था दुनिया भर पर कॉफ़ी की खेती करने वाले आत्मनिर्भर मतलब कि सेल्फ सफिशियंट और कम्युनिटी के आधार पर कोऑपरेटिव बना करके उनकी मदद करना था। लोगों का मानना था कि कुछ लेने से ज़्यादा अच्छा देना होता है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले देना, बाद में बदले में कुछ लेना और फिर इसे दोहराना सबसे अच्छा होता है। इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो हमने अर्नेस्टो सैम, डेबरा निकोल और जो की कहानियों के बारे में जाना। हमने गो गिवर बनने के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा। हो सकता है कि आप बिल्कुल जो के जैसे हो, हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता हो कि हमको क्या मिलेगा, लेकिन अब तो हम समझ ही गए हैं कि हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि अभी इस पल में कुछ लेने से पहले दूसरों को क्या दे सकते हैं। इन लॉज को एक एक करके अपनाइए और अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि इसमें हमें कितनी आसान, ये ईजी, कितना उड़ान भरते देखने में, ऊंचाई को देखने में कितना सफलता होगा जिसकी हम लोग सक्सेस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।